तो दोस्तों, जब भी आप कोई डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो आप विश्वास करते हैं कि उस स्टॉक ब्रोकर का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपको मदद करेगा सही समय पे ऑर्डर एग्जीक्यूट करने में, सही समय पे एनालिसिस करने में और अलग अलग फीचर्स को यूज़ करने का मौका देगा, ताकि जो आपका स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट जर्नी है वो प्रॉफिटेबल रहे और आपको एटलीस्ट टेक्नोलॉजी लेवल पर कोई दिक्कत ना आए। इसीलिए अलग अलग समय पर हम आपके लिए ट्रेडिंग ऐप्स के डेमोज लेके आते रहते हैं। और आज बात करेंगे ग्रो की। ग्रो पहले म्यूचुअल फंड्स में था और अभी कुछ समय से स्टॉक ब्रोकिंग स्पेस में भी है और कुछ ही समय में इसने अच्छा खासा क्लाइंट बेस बना लिया है। लेकिन जहाँ तक बात आती है टेक्नोलॉजी की, वो जाके चेक करके ही पता लगेगा कि कितना बढ़िया ऐप है या क्या खामियां हैं या क्या अच्छी बातें हैं। तो आज इस पर्टिकुलर मोबाइल ऐप को हम चेक करेंगे ट्रेडिंग लेवल पे, इन्वेस्टमेंट लेवल पे किस तरह से आपको मदद कर सकती है। आपके जो क्वेरीज इसके अलावा भी रहेंगे, आप अपने सवाल कमेंट्स में पूछ सकते हैं, लेकिन जितना डिटेल में हम जाना की कोशिश करेंगे ताकि आपकी पूरी तरीके से मदद हो सके। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इन। तो ये अभी आपके सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, जैसे ही ग्रो पे आप लॉग इन करेंगे आपके सामने ये डैशबोर्ड खुल जाएगा। डैशबोर्ड खुलते ही आप अपना बैलेंस देख सकते हैं जो अभी अवेलेबल है आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। पैसा ऐड भी कर सकते हैं आप ऐड मनी क्लिक करने पे। मार्केट इंडेसिस का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, स्टॉक्स इन न्यूज़ को टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स, IPOs कौन से चल रहे हैं उस पर टैप करके आप देख सकते हैं कि जहाँ पर आप पैसा लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड अगर बाकी स्टॉक्स में आपको देखना है मार्केट में क्या चल रहा है उसका स्नैपशॉट भी मिल जाता है। तो एक तरीके से अभी क्या चल रहा है स्टॉक मार्केट में अक्रॉस सेगमेंट्स, वो आपको इन्फॉर्मेशन सामने से मिलती है। अब आप बात करें अगर किसी भी इन्वेस्टर या ट्रेडर की, वो किस तरह से इन फीचर्स को यूज़ करेगा। सबसे पहले कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी यूज़र मार्केट का हाल जानना चाहेगा, निफ्टी 50 में जो स्टॉक्स पड़े हैं उनको देखना चाहेगा, किसी भी स्टॉक के एनालिसिस करने के लिए उसकी बेसिक लेवल पे मूवमेंट क्या चल रही है वो देखना चाहेगा। अब दिस इज़ हाउ दी स्क्रिप्ट डिटेल स्क्रीन लुक्स लाइक इन ग्रो ऐप। जब आप टैप करेंगे किसी भी स्क्रिप्ट के ऊपर तो कुछ इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। ऑब्वियसली ये इन्फॉर्मेशन इतनी डिटेल नहीं लग रही एटलीस्ट चार्टिंग परस्पेक्टिव से, लेकिन हाई लेवल पे परफॉर्मेंस देखें, लो टुडे लो हाई, हाई टुडे 52 वीक लो हाई, ओपन प्राइस प्रीवियस क्लोज, ये सब इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको। कंपनी के स्टैट्स आपको देखने को मिलते हैं हाई लेवल पे, अगेन अबाउट द कंपनी। नाउ वन थिंग दैट इज़ इंटरेस्टिंग है कि इज़ के मेरे को अभी तक कहीं क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है और मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स क्वार्टरली लेवल पे देख पा रहा हूँ, P&L स्टेटमेंट देख पा रहा हूँ, बैलेंस कैश फ्लो ये सब इन्फो एट अ ग्राफिकल लेवल मैं देख पा रहा हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न मेरे को दिख गया, सिमिलर स्टॉक्स इन द सेम इंडस्ट्री उसी सेक्टर में और कौन सी कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं उनका हाई लेवल पे प्राइस डेटा मुझे मिल जाता है। तो अभी तक चाहे ट्रेडर हो चाहे इन्वेस्टर, दोनों के लिए कुछ ना कुछ डेटा पॉइंट्स मिल चुके हैं विदाउट एनी क्लिक। हाँ, अगर मेरे को एनालिसिस टेक्निकल लेवल पे करना है, चार्टिंग करना है, तो मैं टैप करूँगा, मैक्सिमाइज करूँगा, तो मेरा ये फुल लेंथ चार्ट खुल गया है, कैंडलस्टिक चार्ट्स हैं, आई कैन चेंज द टाइम लाइन्स हेयर। मैं यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर्स और चार्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकता हूँ। हालांकि चार तरह के ही चार्ट्स हैं, यहाँ पे थोड़ी लिमिटेशन दिखती है, चार्ट्स के और भी टाइप्स होते हैं, चाहे आप बात करें माउंटेन चार्ट की, वो मिसिंग दिखता है यहाँ पे। तो अगर मैं लाइन चार्ट भी लगाऊँ थोड़ा बेसिक लेवल पे हो जाएगा, देन आई कैन यूज़ सम इंडिकेटर्स हेयर। अगर मैं इंडिकेटर्स पे टैप करूँ तो करीब 70-80 इंडिकेटर्स मेरे को दिखते हैं। जनरली एक अच्छी ट्रेडिंग ऐप में 100+ इंडिकेटर्स, 100-120 इंडिकेटर्स होते हैं, तो उस लेवल पे थोड़ा सा मेरे को कम लग रहा है। आई कैन चेंज द टाइम लाइन्स ऑब्वियसली, यहाँ पे आप देखेंगे अगर, तो इस स्टॉक को मैं आगे पीछे कर सकता हूँ टू फिगर आउट के ओवरऑल इसका ड्यूरेशन अगर मेरे को चेंज करना हो। ड्राइंग टूल्स नहीं है, हीट मैप्स नहीं है, तो उस लेवल पे अगर देखा जाए तो ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन सर्टेन लेवल पे इम्प्रूव की जा सकती थी। टेक्निकल एनालिसिस के लिए, स्पेशली इंट्राडे ट्रेडर के लिए ये सब इंफॉर्मेशन हेल्प करती है, जितनी ज़्यादा उसको एनालिसिस में डिसीजन लेने में मदद मिले उतना बढ़िया, लेकिन उस लेवल पे ये ऐप थोड़ी सी पीछे दिखती है। बाइंग एंड सेलिंग करना ईजी है, मैं बाय पे टैप करता हूँ, कौन से ऑर्डर टाइप को मुझे यूज़ करना है वो यहाँ से एडवांस ऑप्शन में जाके मिलेगा।
रेगुलर ऑर्डर या स्टॉप लॉस ऑर्डर मेरे को मिलता है डे लेवल पे या इमीडिएट लेवल पे। देन मेरे को यहाँ पे ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर ये सब नहीं मिल रहा है, तो ये भी एक लिमिटेशन है। तो आई कैन ओनली प्लेस, आई होप आई कैन ओनली प्लेस, आई गेस इन अ सेंस रेगुलर ऑर्डर, ओनली लिमिट ऑर्डर भी नहीं है। दैट्स रियली स्ट्रेंज। तो ज़्यादा मेरे पास ऑप्शंस नहीं बचते। अगर मैं एक टेक्निकल ट्रेडर हूँ, मल्टीपल ऑर्डर टाइप्स ग्रो में एज ऑफ नाउ नहीं है। मार्केट डेप्थ में देख पा रहा हूँ, हालांकि बेटर रहता कि इसी स्क्रीन पे मार्केट डेप्थ दिखा देते मेरे को रादर देन एक क्लिक लगाने के। ये एक एरिया वेकेंट पड़ा है, यहाँ पे ज़रूरत हो सकती थी, स्पेस था, तो वाई नॉट यूज़ इट, वाई पुट इट अंडर अ लिंक। तो ये थोड़ा सा दिक्कत दिख रहा है। NSE या BSE जहाँ पे पैसा लगाना है वो चेंज कर सकता हूँ। इंट्राडे मैं अगर मेरे को पैसा लगाना है तो इंट्राडे लेवल पे भी चेंजेस आ सकते हैं। नाउ ऑर्डर टाइप हो गया, टाइप ऑफ ट्रेड हो गया, टाइप ऑफ एक्सचेंज हो गया, ये सब चीज़ें बात कर ली हमने। मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर मिल गया है, थैंक गॉड लिमिट ऑर्डर इज देयर, बट कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर नहीं है। वन गुड थिंग इज कि मेरे को मार्जिन यहाँ पे साथ के साथ दिख गया है कि कितना मार्जिन मेरे पास होना चाहिए। सो दिस इज जब मैं इंट्राडे लेवल पे या टेक्निकल लेवल पे इसको देख रहा हूँ। अगर मैं बैक करता हूँ, हालांकि फंडामेंटल रिसर्च भी कर सकते हैं ऑब्वियसली आप, और फंडामेंटल रिसर्च के बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल रिसर्च के लिए मेरे को इसके अलावा और भी चीज़ें चाहिए। एंड ट्रेडर के लिए शायद इतना कुछ नहीं था, लेकिन इन्वेस्टर के लिए आई गेस इनके पास काफ़ी कुछ है। देखिए कंपनी के फाइनेंशियल्स ईयर टू ईयर मेरे को यहाँ पे दिखते हैं, P&L स्टेटमेंट मेरे को यहाँ पे दिखती है, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, एक्चुअल नंबर्स के साथ। और यहाँ पे इतना ही नहीं, अगर मैं रेवेन्यू पे टैप करता हूँ तो नेट सेल्स और अदर इनकम में सेग्रीगेशन मिलती है। एक्सपेंसिस टाइप मेरे को यहाँ पे दिखते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इंटरेस्ट। सो जो इन्फॉर्मेशन एक इन्वेस्टर को चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अपने पैसे लगाने के लिए किसी भी स्टॉक में, तो वो इन्फॉर्मेशन मेरे को यहाँ से दिखती है। आई कैन स्पेंड सम टाइम हियर, मैं यहाँ पे कुछ समय बिता सकता हूँ टू फिगर आउट कि क्या ये पर्टिकुलर कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सही है या नहीं। बहुत कम एप्लीकेशंस हैं इंडिया में, अगर मैं पिक करूँ तो 10 में से 6 एप्लीकेशंस ही होती हैं, 60% एप्लीकेशंस होती हैं जो इस तरह का डेटा सामने से प्रोवाइड करती हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग। तो सिंस ग्रो, मेरे को अजम्पशन है कि सिंस ग्रो म्यूचुअल फंड्स के बैकग्राउंड से आता है, तो सर्टेन लेवल पे वो अभी भी स्टॉक मार्केट में भी फंडामेंटल इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ ऑब्वियसली ट्रेडर के लिए इन्फॉर्मेशन और ऐड भी की जा सकती है, कुछ खास नहीं मिला अभी तक मेरे को, लेकिन एक इन्वेस्टर के लिए सर्टेन लेवल पे बहुत मदद की सकती है। कंपनी स्टैट्स में आपको PE रेशियोज, EPS, बुक वैल्यू, ROE ये कंपनी लेवल पे मिलता है। वन थिंग दैट कुड हैव बीन डन वॉज कि मैं यहाँ पे एक कंपैरेटर लगा पाता जिसके बेस पे मैं अलग अलग कंपनीज के अलग अलग रेशियोज़ को, उसकी उसके डॉक्यूमेंट्स को, चाहे वो कैश फ्लो हो, बैलेंस शीट हो, इनकम स्टेटमेंट हो, उनके स्पेसिफिक मैट्रिक्स को मैं कंपेयर कर पाऊँ। तो दैट्स आस्किंग टू मच, ये बहुत ज़्यादा होता, लेकिन अभी के लिए रेशियोज़ और फाइनेंशियल्स मेरे को विद नंबर्स एंड ग्राफिकल फॉर्मेट दोनों तरीके से ग्रो ऐप प्रोवाइड कर रहा है। तो एज एन इन्वेस्टर सर्टेन लेवल पे मेरे को बहुत मदद मिलती है इन चीज़ों में, एज अ ट्रेडर नॉट सो मच। ट्रेडर के लिए यहाँ पे काफ़ी रूम है जहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स लाई जा सकती हैं, यहाँ पे डेटा पॉइंट्स और अलग अलग टूल्स को ऐड किया जा सकता है, जैसे कि हमने बताया कि इंडिकेटर्स की कमी है, स्क्रीनर्स नहीं है, ड्राइंग टूल्स नहीं है, तो उस नंबर ऑफ टाइप ऑफ चार्ट्स कम है, तो उस लेवल पे थोड़ा सा कम दिखता है, डेटा पॉइंट्स में भी कमी दिखती है। OHLC है लेकिन दैट्स प्रीटी मच इट, उसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ होता है। सो ऑर्डर प्लेसमेंट ऑब्वियसली सिमिलर रहेगा, डिपेंड्स कैसे लगाना है ऑर्डर। आपको एडवांस ऑप्शंस में जाके आप ऑर्डर वैलिडिटी इमीडिएट या डे लेवल पे कर सकते हैं, डेप्थ देख सकते हैं। दिस इज मोर लेस सेम, सेलिंग पे भी वही रहेगा, दिस नो डिफरेंस हियर। अब IPOs में कैसे पैसे लगाना है, जैसे हम पहले गए थे शुरुआत में, अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे बिड्स बताना पड़ेगा, कितने शेयर्स आपको बाय करने हैं, बिडिंग प्राइस यहाँ पे रहेगा, एट कट ऑफ प्राइस अमाउंट ब्लॉक कितना होगा इस पर्टिकुलर IPO में। फॉर एग्जांपल अभी हम हरम्बा IPO को देख रहे हैं, 14,421 रुपये अमाउंट ब्लॉक करना पड़ेगा एक लॉट लगाने के लिए, तो आप IPO सब्सक्राइब कर सकते हैं। पिछले IPOs की परफॉर्मेंस क्या रही वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो IPO लेवल पे भी ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल रही है यहाँ पे।
इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है ऑनेस्टली, बट दिस इज़ प्रीटी मच इट। ऐप में ज़्यादा कुछ है नहीं, डैशबोर्ड मिल जाएगा मेरे को अगर मेरे को स्टॉक बाय किए होते, मेरे खुद के ऑर्डर्स क्या है, सिप्स क्या लगाई हैं, रिपोर्ट्स अलग अलग तरह की वो यहाँ पे मिलता है, अकाउंट डिटेल्स एंड ऑल दैट। सो ऑब्वियसली रिसर्च टिप्स और रिकमेंडेशंस यहाँ पे ग्रो प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो अगर आपको पैसा लगाना है मार्केट में ग्रो के ऐप के थ्रू, तो जो टिप्स होंगी, जो एनालिसिस होगा, वो आपको खुद करना पड़ेगा। ये ऐप में आपको कुछ टिप्स नहीं मिलेंगी। एंड वी हैव हर्ड इट फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज दैट जो इनके CEO हैं, उनका कहना है कि टिप्स तो ये आगे चल के भी प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो इट डिपेंड्स रियली कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं। अगर आपको हैंड होल्डिंग चाहिए तो इस ऐप में आपको टिप्स वगैरह नहीं मिलेंगी, तो वो ध्यान आपको रखना पड़ेगा। बट जो भी अलग अलग फीचर्स हैं वो हमने देखने की कोशिश की है, सर्च भी आप कर सकते हैं। वन थिंग आई एम ट्राइंग टू फाइंड इज वॉच लिस्ट। ओके, देयर इज़ द वॉच लिस्ट हियर। मैं यहाँ पे देखिए गया हूँ, ये आपको टॉप राइट में जो राइट से सेकंड आइकन दिख रहा है वहाँ पे टैप करेंगे तो आप ऐड कर सकते हैं और आपकी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ये म्यूचुअल फंड्स ऐड करना चाहें म्यूचुअल फंड्स, तो ये 5 स्टॉक्स अभी की तारीख में ऐड करना सिंपल है, रिलायंस इंडस्ट्रीज को ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे गया हूँ और फिर मैं यहाँ से इसको ऐड भी कर सकता हूँ प्लस पे टैप करके। थोड़ा सा UI लेवल पे इम्प्रूवमेंट्स लाने की कोशिश की जा सकती है इस ऐप के द्वारा, लेकिन अभी के लिए बेटर देन एवरेज ही कहूँगा यूज़र एक्सपीरियंस। एवरेज नहीं है, थोड़ा सा बेटर है, लेकिन अमेजिंग यूज़र एक्सपीरियंस नहीं है। अभी बहुत इम्प्रूवमेंट लाने की इनकी चांसेस हैं, होपफुली दे डू दैट। बट अभी की तारीख में यही है ग्रो का रिव्यू। एंड अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेरी है आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, एंड वी विल ऑब्वियसली ट्राई टू आंसर दैट। अगर लगा कि इतना डिटेल क्वेश्चन पूछा है तो सर्टेन लेवल पे उसके अलग वीडियो भी बना सकते हैं, लेकिन ग्रो का एक कंप्लीट डेमो देने की कोशिश की है जहाँ पे हमने होम पेज से लेके उसके टेक्निकल एनालिसिस, उसके फंडामेंटल एनालिसिस, ऑर्डर प्लेसमेंट्स की बात की है, चार्टिंग करने की देखने की कोशिश की है, और उसके अलावा हमने ये भी देखा है कि वॉच लिस्ट वगैरह का यूज़ कैसे करना है। तो अभी के लिए दोस्तों ग्रो ऐप के डेमो में बस इतना ही। होपफुली ये डेमो आपको अच्छा लगा हो, होपफुली हेल्पफुल भी हो आपके लिए जब आप एक्चुअल में ट्रेडिंग करेंगे ग्रो ऐप के थ्रू। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अ डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब कीजिए, स्टॉक मार्केट में जो भी होता है सब कुछ यहाँ डिस्कस होता है, और इस वीडियो को लाइक और शेयर तो आपको करना ही है। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।